महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत आपका स्वागत और आपका बहुत आभार है। आपको जाने और अनजाने में इन लोगों से दूर रहना चाहिए। यही लोगों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती है, आप तकलीफों में आते हैं, परेशानी में आते हैं, और आप जो एक अच्छे और सरल इंसान है, बेफिजूल की इतनी सारी परेशानियों में आप फंस जाते हैं कि जिनका पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि इन चार लोगों से आपकी राशि के जातकों को बहुत 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 दूर रहना चाहिए। क्योंकि यह बात मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ, बहुत सारे जातकों से मैं जब बात करता हूँ, कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, कई सारे प्रश्न जो उनके होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात उसमें मुझे समझ जो आई है कि आप जैसी राशि के जातकों के साथ में ज़्यादातर उनकी जो परेशानी है, बाधा है, वो उस वजह से हो जाती है कि यह चार लोग ही उनके लाइफ में एक परेशानी लाते हैं, और इसमें आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आपका लेना देना कुछ नहीं होता है और आप परेशान और परेशान हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि इन चार लोगों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप दूरी बनाकर रखें, जितनी जल्दी हो सके इनका पीछा अपने से छुड़वा लें, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको परेशानी में जरूर जरूर डाल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी बहुत सारी तारीफें करता है कि भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, दीदी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत सी तारीफें करता है। वो तारीफें, दरअसल हर एक व्यक्ति को तारीफें सुनना बहुत पसंद है, लेकिन तारीफें सुनना और तारीफों को जो व्यक्ति बार बार कर रहा है, ये समझ जाएगा कि ये व्यक्ति हमें गुमराह कर रहा है। क्योंकि तारीफें सुनना हर एक व्यक्ति को पसंद है, और तारीफें सुनकर वो व्यक्ति सुनाकर हमारा मिसयूज कर सकता है, और बहुत सारे जातकों को फंसाया भी इसी तरह से, और बहुत सारे जातक परेशान हुए। जो तारीफ करना है, ये विषय राहु के अंतर्गत आता है। देखिए, तारीफ सच्ची होती है, वो व्यक्ति को समझ आ जाती है, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति हमारी तारीफें करते रहता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति को तारीफ सुनना पसंद है, एक मानव का स्वभाव है, और बहुत ज़्यादा कोई तारीफें कर रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहिए। वो व्यक्ति हमारे साथ छल कपट कर सकता है और वो हमारा मिसयूज कर सकता है, तो सावधान हो जाए। तारीफें मीठा जहर है, तो कोई आपको मीठा जहर दे रहा है उसे सावधान होना, क्योंकि ये भ्रामक चीज़ें, और भ्रामक चीज़ें ही राहु से जुड़ी हुई है। मतलब वो हमें एक भ्रम में रख रहा है और वास्तविकता से बहुत दूर कर रहा है, और वास्तविकता से जब वो दूर कर रहा है तो हम सच से जब दूर होंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक है। हम वो व्यवहार करेंगे जो व्यवहार हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम किसी की बात सुनकर, किसी की बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर वैसा व्यवहार कर देंगे, और बाद में आपको पछतावा हो सकता है, और होता ही है। दूसरे, वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, महिलाओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसे जातकों के इर्द गिर्द शनि बहुत नकारात्मक होता है, ऐसे जातकों की लाइफ में कभी भी स्थिरता नहीं हो सकती, और ये जिस भी व्यक्ति के साथ रहेंगे उनके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती है। इसलिए दोस्तों, उन लोगों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर रहे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो एक्चुअल सच को नहीं समझते, वो केवल और केवल अपनी वासना, तृष्णा और अपनी एक नेगेटिविटी के साथ लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं, उन लोगों से दूर रहें। वो लोग आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, और बहुत सारे जातकों को परेशानियों में डाला है, क्योंकि जिनका शनि खराब होता है और ऐसे लोग अगर मिल गए तो फिर भाई पूछो मत क्या हाल होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से दूर हमें रहना है। तीसरे, वो लोग जो आपको नशा और व्यसन की तरफ आकर्षित करें, क्योंकि बहुत सारे जो नशा करने वाले लोगों की स्टोरीज होती है उसमें वो कभी नहीं पीते थे, लेकिन उनके जो साथ वाला है उनके साथ रहकर वो भी पीना शुरू करा, या उन्होंने भी नशा कोई सा भी करना शुरू करा, तो वो धीरे धीरे नशा हमें बर्बादी की ओर ढकेल देता है, और जो होना है वो तो हो गया, ये ही आखिरी में आपके नकारात्मक विचार अपने पास रह जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन सभी लोगों से दूर रहें जो आपको नशे की ओर अग्रसर करते, नशे की ओर धकेलते, क्योंकि नशा जीवन का नाश है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अच्छा और सच्चा इंसान नशे के कारण अपने जीवन को तकलीफ में डाले, अपने माता पिता को तकलीफ में डाले, और एक अच्छा खासा जीवन जो जी रहा है उसमें तकलीफ उसके हो। तो इसलिए नशे से बचें और सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। चौथे, वो लोग जो लोग नास्तिक है, मतलब जिनकी विचारधारा चीज़ें वो नास्तिकता की ओर है, क्योंकि नास्तिकता के मैं खिलाफ नहीं हूँ कि मैं नास्तिक लोगों को, क्योंकि उनके संवैधानिक राइट्स हैं, मैं उन सभी चीज़ों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं हर एक व्यक्ति को इसलिए, क्योंकि आस्था में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, एक अच्छी आस्था, एक पॉजिटिविटी एक व्यक्ति के जीवन में
बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वो सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। वो कभी निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, उसके पास एक ऊर्जा होगी जिस ऊर्जा के सहारे वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और नास्तिक व्यक्ति आपको हमेशा नकारात्मकता और एक नास्तिकता की बात कहेगा, वो आपको इस तरह का डीमोटिवेट करेगा, इस तरह के चीज़ें बताएगा जो आप वैज्ञानिक तार्किक चीज़ों पर या तर्क पर उसे जो बुद्धि क्षमता से आप समझेंगे कि ये सही कह रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसका जो मूल है वो सकारात्मकता या पॉजिटिविटी क्रिएट करना नहीं है। और धर्म जो है, जो हमारी आस्था है, वो पॉजिटिविटी संचार, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना उसका मूल उद्देश्य है। तो हम हमारे मूल उद्देश्य से नहीं भटके, इसलिए नास्तिक लोगों से हमें दूर रहना है। वो लोग कई बार हमें इस तरह के एक मेंटली भ्रम में डाल देते हैं कि हम सच और झूठ और हम खुद की आइडेंटिटी के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नास्तिक लोगों से दूर रहें, वो लोग हमें आने वाले समय में बहुत सी नेगेटिविटी भर सकते हैं और ऐसे भ्रम जाल में फंसा सकते हैं कि जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।